मैं तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रखता हूँ। बाइबल कहती है यशायाह 30 में जिंदगी को चुनो, हमें चुनने का हक है। हम चुन सकते हैं कि कैसे अमल करें, हम चुन सकते हैं कि क्या सोचें, हम चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या कहना है। रोजमर्रा की जिंदगी का में शामिल होने का शुक्रिया। बाइबल कहती है कि जिंदगी और मौत की तासीर जबान में है। ये बड़ा अच्छा बयान है, इस पर हम गौर करते हैं। जिंदगी और मौत की तासीर जबान में है, इसका मतलब है कि हम जो बोलते हैं उसमें या तो तख्लीकी या फिर तगरीबी कुव्वत होती है। हमारी बातचीत हमारी मौजूदा हालत पर असर करती है और मुस्तकबिल का ताउन करती है। मुझे खुशी है कि खुदा के कलाम की तख्लीकी कुव्वत भी हमारी है, अगर हम सीखें कि उसे कैसे अदा करना है। खुदा हमेशा वो करता है जो वो कह देता है कि वो हमारे लिए करने वाला है, इसलिए अपने कलाम को उसकी कुव्वत बख्शिए तो आपके आज के मसाइल मुस्तकबिल का करिश्मा बन जाएंगे। मैं आज आपसे बात करूंगी कि आपसी बातचीत और मुस्तकबिल के बारे में, और किस तरह आपका कलाम आपके मुस्तकबिल पर असरअंदाज होता है। हम में से कुछ लोग माजी की यादों में जी रहे हैं, तो अगर हमें इस वक्त की सूरत हाल पसंद नहीं तो यकीनन हमें कुछ ऐसा कहना होगा जो हमारी मदद कर सकता है मुस्तकबिल में वो जिंदगी पाने में जो जिंदगी हम पाना चाहते हैं। अब सुनिए, इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं कि हमारा कलाम तासीर से पुर होता है। इस ग्लास में पानी है, कलाम में तासीर होती है, उसमें तख्लीकी या तगरीबी कुव्वत है। अगर हम पैदाइश एक देखें, आप देखेंगे कि हर चीज को खुदा ने खलक की, बाइबल कहती है, और खुदा ने कहा। आज दोपहर को मैंने पैदाइश एक पढ़ा और हर उस जगह निशान लगा दिया जब खुदा ने कुछ खलक किया, और जिसका लुत्फ हम आज उठा रहे हैं। उसमें नहीं कहा गया कि खुदा को ख्याल आता है या ख्याल का, नहीं कहा गया खुदा ने हाथ लहराया, उसमें है और खुदा ने कहा। उसमें बाकायदा लिखा है कि खुदा ने कहा। अल्फाज में तासीर होती है। अमसाल 18:21 में है, जिंदगी और मौत की तासीर जबान में होती है। जिंदगी और मौत की तासीर जबान में होती है, और जो उसका जैसा इस्तेमाल करता है फल पाता है, चाहे जिंदगी हो या फिर मौत हो। इसका मतलब हम जो बोलते हैं हमें उसके नतायज से मुतमईन होना चाहिए। मैं सचमुच चाहती हूं कि आज आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपके दिल में हैं और जिन्हें आप समझते हैं कि खुदा ने आपसे कहा है। आपके पास कुछ यादें हैं, कुछ वादे हैं, चंद ख्वाब हैं, कुछ तसव्वुर हैं, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ तब्दीलियां हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अपने जिस्म में चाहते हैं, जहन में चाहते हैं, माली हैसियत में चाहते हैं, और खुदा के पास आपके लिए अच्छा मंसूबा है। वैसे ही शैतान के पास भी आपके लिए मंसूबा है। इस हफ्ते मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपना जहन बना लेंगी कि आपको किसके साथ मुहायदा करना है। बाइबल कहती है अगर दुनिया में दो लोग मुत्तफिक हैं तो उन्हें वो सब मिलेगा जो वो कहते हैं। हम इसे सरसरी तौर पर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम शैतान से मुहायदा करेंगे तो हम उसके लिए दरवाजा खोल देंगे कि वो जो चाहे वो ले जाए। मैं तुम्हारे आगे जिंदगी और मौत रखता हूं। बाइबल इस तिश्ना 30 में कहती है कि जिंदगी को चुनो, हमें चुनने का पूरा हक है। हम चुन सकते हैं कि कैसे हमें अमल करना है, हम चुन सकते हैं क्या सोचना है, क्या कहना है। मुंह बड़ा बेकाबू है, बेजाबता है, कुछ भी कह देता है। बाज औकात ये जंगली जानवर की तरह होता है जिसे आप समझते हैं कि काबू में नहीं रख सकते हैं। ये ऐसा होता है, ब्ला 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 ब्ला, ओ शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ताल्लुकात खराब होते हैं अल्फाज से या अल्फाज की कमी से। ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं कही हुई बातों से या अनकही बातों से जो कहनी जरूरी होती है। यहां पर आज
यहाँ पर आज बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ताल्लुकात का मसला होगा, और अगर आज रात आप रूह खुदा को बोलेंगे तो आपके ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं और बचाए जा सकते हैं। बस सिर्फ घर जाकर वो बातें ना कहें जो आप कहते रहे हैं, या उन बातों को कहना शुरू करें जो आप अब तक नहीं कहते थे, जबकि वो आपको कहनी चाहिए थी, जो बहुत ही जरूरी थी। नुक्ता चीन ना बने। मैं नहीं जानता तुम ये क्यों नहीं करते, और मैं नहीं जानता तुम वो क्यों नहीं करते, मैं नहीं जानता कि तुम यहां क्या कर रहे हो, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, मैं ये नहीं करता, तुम वो नहीं करते। इन बातों से जरा भी फायदा नहीं पहुंचेगा। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं वो हमारे लिए करें, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि अगर मैं चाहती हूं कि कोई मेरे लिए कुछ करे और मैं जबरदस्ती करती हूं, तो ये वो दिल से और सही तरह से नहीं करते हैं। इसलिए मैंने एक राज जान लिया है कि अगर मैं दुआ करके खुदा से उनके दिल में ये डालने के लिए कहूं और वो बोऊं जो मैं पाना चाहती हूं, ये हैरत अंगेज है कि अगर लोगों की तरफ से हौसला पक्षपात नहीं होती, और अगर आप उनका हौसला थोड़ा और बढ़ाएं तो क्या क्या से क्या हो जाता है। बातों में इतनी तासीर होती है। आप अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, और मैं चाहती हूं कि इससे पहले मैं आगे बढ़ूं आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। आप अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं। आपने माजी में कुछ बातें कही हैं जिसके असर से इस वक्त आप इस हाल में हैं। इसलिए अगर आपको कुछ चीजें पसंद नहीं है और मुस्तकबिल में आप कुछ बेहतर चीजें चाहते हैं और आपके यकीनन उससे कुछ अच्छी बातें कहनी है, तो आप अपने माजी में कही हुई बातों को दोहराओ मत। अल्फाज में तासीर है, मस्बत या मनफी, खलकी या तखरीकी, जिंदगी और मौत। चुनो कि आप मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं और उसकी मुनासबत से अपने कलाम को कलाम इलाही से जोड़े। रोमियो 10:9-10 नमूना बताता है जो हमें अपनाना है। ये सच पूछियो तो ये बताता है कि कैसे बचा जाए, लेकिन मैं समझती हूं कि अगर इस तरीके से हम निजात पाते हैं तो इसी तरीके से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आयत 9 में लिखा है, अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए, वाबस्ता हो, एतमाद करे और यीशु पर मुनसर हो कि खुदा ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, तो तू निजात जरूर पाएगा। इसलिए निजात पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें दिल में यकीन और जबान से इकरार करना है। दिल से यकीन करो, जबान से यकीन करो, क्योंकि किसी शख्स का दिल यकीन करता है, वाबस्ता होता है, भरोसा करता है, यीशु पर इनसर करता है, और वो हकदार होता है रास्तबाजी और खुदा के कबूल किए जाने का। और जबान से वो खुलेआम इकरार करता है और बिला झिझक अपने ईमान की बातें करता है, तो निजात जरूर पाता है। वो बात कर रहे हैं इस कायनात की, तो जब मैं दिल से यकीन करती हूं तो खुदा को वो पता होता है, इससे मेरे और खुदा के बीच एक रिश्ता बनता है। लेकिन जब मैं इकरार करती हूं तो वो इस कायनात में उसकी तस्दीक करता है, क्योंकि आपको पता है हम दो मकाम पर जीते हैं, हमें दो मकाम चाहिए। मुझे पता नहीं कि आप इसे जानते हैं या नहीं, लेकिन हम में से हर कोई दो जगहों पर जीता है। बाइबल कहती है हम यीशु मसीह के साथ आलम बाला में बैठे हैं। मैं किस तरह आलम बाला पर हो सकती हूं जबकि जाहिर है मैं यहां प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूं, लेकिन रूहानी तौर पर हम एक जगह हैं और मादी तौर पर कहीं और। अब मेरे दिल में जो है खुदा जानता है, लेकिन शैतान मुझे सुनना चाहता है और खुदा मेरे ईमान से पुर लफ्जों को सुनना चाहता है। खुदा ने मुझे इस तरह समझाया, तुम में से कितने लोग यकीन करते हैं कि आलमे बाला में तुम्हारे लिए शानदार चीजों का इंतजाम है अगर तुम उसे अपनी रूह से निकालकर यहां दुनिया में पाने की कोशिश करो। हम सबसे वो कहानियां सुनते आए हैं कि जन्नत में क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी और कैसे जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम सब मायूस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से नक्शे हमने खोले ही नहीं होंगे। मुझे पता नहीं कि सब कुछ ऐसा ही होगा, पर मेरे ख्याल में इसमें कुछ हद तक सच्चाई होती है।
मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सी चीजें हम सब के लिए खुदा के पास हैं जो हम नहीं जानते कि उन्हें रूहानी दुनिया से निकाल कर इस मादी दुनिया में कैसे लाया जा सकता है। मैं समझती हूँ कि खुदा ने मुझे एक रास्ता बताया है और मेरे ख्याल में ये हमें सहीफों में भी मिलेगा कि कलाम के जरिए हम रूहानी दुनिया में जाकर वो चीज़ें इस दुनिया में ला सकते हैं जिसमें हमारे लिए खुदा की मर्जी होती है और जिसका हम यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फाज में तासीर होती है, मैं कहती हूँ अल्फाज में बहुत बहुत ही तासीर होती है। रोमियो 10:9-10 एक नमूना है। आप जो भी खुदा से पाना चाहते हैं उसका आपको दिल से यकीन और जबान से इकरार करना होगा। जब आपको खुदा से कुछ चाहिए तो दिल से यकीन करें, जबान से इकरार करें। सोचें कि दिल से यकीन करना है, जबान से इकरार करना है। यह लिबास का नमूना है और सिर्फ यह नमूना ही वो लिबास तैयार करेगा। इसलिए अगर मुझे ये लिबास चाहिए तो मुझे इस नमूने का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्या क्या होगा अगर मैं कहूं मुझे वो लिबास चाहिए लेकिन मैं ये नमूना इस्तेमाल करूंगी? नहीं, ये नमूना एक अलग किस्म के कोट का है। अब मैं ये लिबास चाहती हूं लेकिन मैं जिद्दी हूं, मैं अड़ियल हूं और मैं अपने तरीके से करना चाहती हूं और ये नमूना इस्तेमाल करना नहीं चाहती हूं। मैं ये लिबास चाहती हूं पर ये नमूना इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं इसे अपने ढंग से करूंगी और मैं ये नहीं ये नमूना इस्तेमाल करूंगी। खैर, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करोगी, लेकिन अगर तुम ये नमूना इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ये लिबास नहीं मिलेगा। और यही बात खुदा के कलाम के लिए भी लागू होती है। चंद उसूल और कुछ हिदायतों पर अमल करना पड़ता है। आज इसे समझ लीजिए, अगर आप मजबूत जिंदगी चाहते हैं तो अपनी जबान को मनफी नहीं रख सकते हैं। क्यों? हेलो, अगर आप मजबूत, अजीम, शानदार और सेहतमंद कामयाब मुस्तकबिल चाहते हैं तो आप हर वक्त अपने घिनौने माजी का जिक्र नहीं कर सकते हैं। ये आपको रोकेगा। अगर आप सेहतमंद और अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो आपको हर वक्त ये नहीं कहना है कि आप कितने आजूरदा हैं। अगर आप आजूरदा हैं तो मैं नहीं कहती कि आप किसी से कह नहीं सकते, बल्कि मैं कह रही हूं कि कहने का कुछ फायदा नहीं होगा इस बारे में कहने का। मैं चंद एक लोगों को जानती हूं और बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूं। मेरा मतलब है ऐसे लोगों के साथ मैं रहती थी और बरसा बरस हम सिर्फ यही बात करते रहे कि वो कैसा महसूस करते हैं और वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। तो ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं पर उसे पाने के लिए ये इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप मजबूत जिंदगी चाहते हैं तो आप मनफी नमूना इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सलवार कमीज चाहते हैं तो कोट का नमूना इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो हमेशा ये कहते ना भटके, ये मेरी इस्तेयाद के बाहर है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हैसियत के बाहर है। आप कहें ठीक है, मेरी इस्तेयाद के बाहर है, पर आपको इसका ढिनोरा पीटते नहीं रहना है। आपको पता है कि आपकी हैसियत के बाहर है, खुदा भी जानता है, शैतान को भी पता है और आपके तमाम दोस्त भी जानते हैं कि आपकी हैसियत के बाहर है। आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं, आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि ये कहना शुरू करें कि खुदा के मुताबिक आपके पास क्या हो सकता है अगर आप उसके साथ मुआहदा करें। इससे पहले कि मेरे इस पैगाम पर अपनी राय दें तो ये नाम बताओ घर ले जाओ वाला पैगाम नहीं है। मैं नहीं कह रही हूं कि आप कुछ भी पा सकते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रही हूं, क्योंकि आप इस तरह की जादुई और अजीबोगरीब दुनिया में जहां बस इकरार करना काफी होता है, आपको बस भरोसा करना है, आपको भरोसा करना है खुदा पर। मेरे पास सब कुछ है, वो सब कुछ जो लोग चाहते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरी शादी इस शख्स के साथ हुई है, हाँ मेरी आपसे शादी हुई है, मेरी आपसे शादी हुई है, मेरी आपसे शादी हुई है। ये वो नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं। मुझे डर है कि मेरे बच्चे किसी काबिल नहीं बनेंगे। मेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं था और मेरे पास भी कुछ नहीं है और शायद कभी कुछ होगा भी नहीं, और जब भी कुछ मिलता है तो वो सब बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है।
किराने की दुकान से गुजरते वक्त मैं दाल भाजी खा खा कर तंग हूँ। काश मुर्गी खरीद कर खा पाता। मुझे नहीं लगता कि कभी मुर्गी खरीदने को मेरी हैसियत बनेगी। मेरी जिंदगी दाल भाजी खाते हुए गुजर जाएगी। मैं क्या करूंगा? तो हाँ, यही होगा। आपकी ऐसी सोच है तो आप यही पाएंगे। बिल्कुल यही आपको मिलेगा। आप जो कहते हैं आपको वही मिलेगा। खुदा के फरिश्ते आपके लिए खड़े हैं आप किसी चर्च में। किसी चर्च में कुछ लोगों के साथ दुआ में शामिल हैं और कोई आपके लिए दुआ कर रहा है और आपकी तरक्की करे, कामयाब हो, लेकिन फिर आप इस अमल को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाते हैं। अपनी जबान से निकली बातों से खुदा भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता अगर आप उससे ये मांगे और पलट कर भूल जाए कि आपने क्या मांगा है। ये वो याद नहीं रखता। हेलो, अपने आप से कहें ठीक है यही सही है। खुदा जो है वो आपके लिए कुछ शानदार चीजें करना चाहता है, लेकिन आपको अभी से ये कहना शुरू करना होगा जो कलाम में है कि आप पा सकते हैं और उस पर आपका ईमान है, और वो कहना तर्क करें जो आपके पास हमेशा से है और जो आपको पसंद है। मैं आज उस बारे में सोच रही थी जब हमने पहले पहल जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज अपने घर के तहखाने में शुरू की थी। इस जगह से हमने शुरू किया। हमने तहखाने का सारा सामान खाली कर दिया। चर्च के कुछ नौजवानों ने मुफ्त काम किया और तहखाने की सफाई की। उसके बारे में जब सोचती हूं तो बड़ा अजीब लगता है। और हाँ, आज मुझे उन दो औरतों का भी ख्याल आया जो हमारा काम करती थीं। एक जो आज मेरे साथ काम कर रही हैं, रोजाना एक घंटे के लिए मैं उन्हें जैसे कोठरी में बंद कर दिया करती थी और उन्हें अपनी मिनिस्ट्री की उन चीजों की फहरिस्त कमा कर देती थी, थमा देती थी जिनका उन्हें इकरार करना था और उसके लिए उन्हें दुआ करनी थी। हम फेंटन की कैडोना स्ट्रीट में थे और इसे वहां तहखाने से चलाते थे और खुदा हमसे खुश था। हमारे पास काफी सारे मुलाजिम हो गए थे जिसकी वजह से पड़ोसियों को तकलीफ होने लगी, इसलिए वो अपनी गाड़ियां दूर खड़ी करके अपने टिफिन बॉक्स हाथ में लिए चलते हुए यहां तक आया करते थे। हमारे पूरे घर में एक्सटेंशन फोन लगे हुए थे और कुछ मुलाजिमों को अब भी कार्डबोर्ड का टेबल इस्तेमाल करना पड़ता था। छोटी शुरुआत के दिनों को नफरत से मत देखिए। अपने गुजरे हुए दिनों को याद करके नफरत मत कीजिए और ना उनका रोना रोइए जो आज आपके पास है, क्योंकि यह सदा ऐसा नहीं रहेगा। दिल में भरोसा रखिए। मेरे दिल में और मेरे जहन में अपना भरोसा कायम रहा। उस वक्त कुछ था और वो बड़ा बचकाना लगता था। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के दफ्तर सारी दुनिया में है और हम रेडियो और टेलीविजन के जरिए सारी दुनिया में मजहब ईसवी की तबलीग कर रहे हैं और दुनिया भर के लोगों की मदद कर रहे हैं। और उस वक्त हम थे फेंटन में एक तहखाने में और कार्डबोर्ड के बक्सों को टेबल के तौर पर इस्तेमाल करते और हमारे लोग गाड़ियां दूर दराज खड़ी करके आते तहखाने में काम करने के लिए। मैं अपने ऑफिस में बैठी दुआ के जरिए हिम्मत जुटाती रहती हूँ। खुदावन 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 खुदावन। तो लड़कियों, कोठरी में जाने का वक्त हो गया है। वो अंदर जाती हैं। ये अजीब लगता है लेकिन हमने ये किया है, हमने ये सब किया है। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमारी कुल 15 ऑफिसेज हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सब जगहों पर हैं। ये मिनिस्ट्री तहखाने में शुरू हुई और साबित किया कि हर चीज वैसी नहीं रहती जैसी इस वक्त है। बाइबल रोमियो 4 में कहती है कि हमारा खुदा जो चीजें नहीं है उनको इस तरह बुला लेता है गोया के वो है। वो अब्राम को बहुत सी कौमों का बाप बुलाने लगा जबकि उनकी एक औलाद भी ना थी और ऐसा लगता था कि उनकी औलाद होना नामुमकिन सा है। आपको मुझे माफ करना पड़ेगा, पहले ही माफी मांग रही हूं, लेकिन जब भी मैं ये पैगाम देती हूं तो बहुत जोश में आ जाती हूं क्योंकि मैंने ऐसी जिंदगी जी है और मैं आपके जबान की कुव्वत को जानती हूं। और अगर मैं इसका इस्तेमाल आलम खुदावंदी में करूं तो
जब आप दिल में ईमान रखते हैं और जबान से इकरार करते हैं तो जहन्नुम भी कांप उठता है। दिल में ईमान और जबान पर इकरार। खुदा को काम का मौका दिया करो, फरिश्तों को कुछ काम का मौका दिया करो। अगर आपने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना है तो मैं नहीं जानती आप क्या सोचते होंगे, लेकिन आपको पता है मैं इस बात का जिंदा सबूत हूं। आमीन। ईसाइयों के कुछ फिरके हैं जो इस पैगाम पर बड़े बरहम होते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मेरी समझ में नहीं आता कि आप उस पर नाराज क्यों होते हैं जो मजबूत इकरार का सबक दे रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों कुछ लोग नाराज होते हैं जब आप लोगों को उनके और उनके खानदान के लिए अच्छी जिंदगी और रोशन मुस्तकबिल पाने की उम्मीद रखने को कहते हैं। मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि जब मजहब की बात आती है तो उनके नजदीक सब कुछ करने का एक ही तरीका होता है और वो है उनका तरीका। हो सकता है आपने ये सब पहले ना सुना हो, सिर्फ मुझ पर एतमाद ना करें, बाइबल में देखें। खुदा जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुलाता है गोया के वो हैं। आपको न सिर्फ मनफी बातें कहना तर्क करना है बल्कि मस्बत चीजें कहना शुरू भी करना है। ये एक बहुत ही अहम उसूल है जो खुदा ने मुझे सिखाया है। आज हम आपको मेरी चार हिस्सों की तालीमी सीरीज पेश कर रहे हैं बउनवान मी एंड माई बिग माउथ। इस उनवान की वजाहत जरूरी नहीं। हम अपनी जबान का इस्तेमाल करके परेशानियों में घिरें या हम उसका इस्तेमाल करके शामतें भी पा सकते हैं। फिलहाल मैं अपने खुदा की इबादत के वक्त में अल्फाज की कुव्वत पर एक किताब पढ़ रही हूँ और मैं ऐसा वक्फे वक्फे से करती रहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम पहलू है। बाज़ औकात हम जानते हैं कि फिर भी हम भूल जाते हैं कि वो कितना अहम है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि इस पेशकश का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मुझे यकीन है कि अपनी बातचीत की क़ुव्वत को समझने में ये आपकी मदद ज़रूर करेगी। आप पर खुदा की रहमत हो और हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि ये पेशकश आप किस तरह हासिल कर सकते हैं उस पर तवज्जो दें। अगर आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मुस्तकिल पार्टनर्स हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप दुनिया भर में लोगों की मदद कर रहे हैं। जब आप हमारे पार्टनर्स बनते हैं तो आप हमारी मदद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में। अगर आप हमारा प्रोग्राम बराबर देखते हैं तो आपने उन लोगों की शहादतें भी सुनी होंगी जिनकी मदद की गई है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया 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 अदा करती हूं क्योंकि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के अहम रुकन हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूं कि जब आप हर महीने अपना अतिया भेजते हैं तो दुश्मन की ये बात ना सुने कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सी जगहों पर मैं और समझती हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में बीज बो रहे हैं जिससे आपको अच्छी फसल मिलेगी। मैं आपको फिलिपियों 4:15 का हवाला देना चाहती हूं। पौलुस ने कहा, ए फिलिपियों, तुम खुद भी जानते हो कि मसीह की तबलीग के शुरुआती दिनों में जब मैं मकदुनिया से रवाना हुआ तो किसी भी कलीसिया ने मेरी मदद ना की, ना कुछ देने के लिए ना लेने के लिए डेबिट या क्रेडिट अकाउंट खोला सिवाय तुम्हारे। मेरे ख्याल में ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि अजीम मुरीद पौलुस की सिर्फ एक ही चर्च ने मदद की थी। अपने घर में बैठकर सिर्फ पाना पाना और पाना बड़ा आसान है, लेकिन पौलुस ने कहा कि उन्हें लोगों की भी जरूरत है जो मदद कर सकते हैं। पौलुस ने अरसा पहले पार्टनरशिप की बात कही है, हमसे बहुत बहुत पहले। उन्होंने कहा कि लोग उनके पास डेबिट और क्रेडिट अकाउंट खोल सकते हैं, वो उनके अकाउंट में डालेंगे कलाम और उसूलों की तालीम जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और बदले में वो सब उनके खाते में कुछ डालते रहेंगे जिनसे उन्हें ये सारी रखने में मदद मिलेगी। और फिर आयत 19 में वो अपने पार्टनर से वादा करते हैं कि मेरा खुदा फराग दिली से भरपूर तरीके से अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर जरूरत पूरा करेगा। एक बार फिर अगर आप हमारे पार्टनर्स हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अब तक ये ईमान का कदम नहीं उठाया है तो आप अपने आप को ये समझा दें कि आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप दुआओं के साथ ऐसा करेंगे और इसी वक्त हमसे रابطہ करेंगे ताकि आप सारी दुनिया में पहुंचना शुरू हो जाएं। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया और शुक्रिया उन दोस्तों और वालदीन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joyasmayer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।